तो ये एस अबाब का एक क्वेश्चन आया है कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया में आए थे जो है ऑन टूरिस्ट वीज़ा और उनका ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो अब वो क्या करें। मैं हमेशा से आप लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया होगा, मना किया है मैंने कि इस वीज़ा पे कभी भी नहीं आए और ये वीज़ा बहुत ही रिस्की वीज़ा है, यानी कि आपके आगे का जो पूरा भविष्य है वो आपको जो है अंधकार में डाल सकता है ना। या तो आप जो है पूरा कैप्स एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं पूरा एग्ज़ाम में पास करने की, एग्ज़ाम कैसे पास करते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपको कैसे आना है, कौन से वीज़ा पे आना है, कैसे यहाँ पर जॉब लेनी है, पूरा का पूरा हम लोग गाइडेंस करते हैं। उसके थ्रू आप आएँ तो आपको काम बन जाएगा। ये टूरिस्ट वीज़ा पे एक तो आपको वर्क राइट नहीं होता है, 3 महीने का ही वीज़ा होता है, तो 3 महीने में आप कैप्स भी पास नहीं कर पाओगे। और अगर आपको स्टडी करनी है तो अगर आपको स्टडी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया वीज़ा, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, फिर आपको अपने होम कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। इसी लिए आप कभी भी जो है इस वीज़ा पे नहीं आए, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि भाई बहस किया है, तो बहस यही है कि भाई आप अपना एग्ज़ाम पास करें या आप स्टडी वीज़ा लेके आए इंडिया से ही, और उसके बाद आप लोग जो है उस वीज़ा पर रहेंगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।